song of ours, Banno, and mood bana rahe, jaise abhi ban gaya hai trailer dekh ke. Chalo start karo. Trailer launch mein gaana launch kaise kar? अरे song तो हो जाए. अरे वो producer उनको मत सवाल पूछो. अच्छा हाँ बोलो हाँ. Need the mood to be stepped up. सेक्सी स्वैगर के लिए यहाँ पे एंड नाउ ओवर टू यू जो भी शक शुबा हो सवाल हो. हाय कंगना, मेरा सवाल आपसे है. मेरा सवाल है कि एक तो आप अकेले गई थी हनीमून पे क्वीन में, इस बार दुकेले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे? हाय आलो, हाँ इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल लेकिन कोई ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड्स है उसमें कोई नहीं जाता है जो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर खत्म करके साइड हो जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके तो उस पे ये फिल्म है. बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है. अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज्यादा ध्यान दोस्तों में रहे तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में तो. अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज अदर वे अराउंड. मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है और आई थिंक फिल्म होती उसी इश्यू से शुरू है जो कि आपने देखा. इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने, हेयर स्टाइल है, ये है वो है तो काफी नैग करती हैं, काफी नैगिंग वाइफ हैं. तो आप मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में. मनोज जी बताएं. हाँ क्या है कि प्यार एक बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी और फिर शादी के बारे जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है. और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी. ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेज ऑफ मैरिज एज ऑल यू मैरिड पीपल नो इट चेंजेस ड्रामेटिकली. तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से इन्होंने शायद शादी की थी और इनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है जिनके आप गाल में ये चुम्मा दे देते हैं इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. हाय माधवन. हाँ जी. दिस इज उर्वी. योर हाय उर्वी, हाउ आर यू? हाय. इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ दैट यू नो शी हैज अ टैटू मेड ऑफ हर एक्स लवर. सो हाउ डज इट फील व्हेन योर वाइफ हैज अ टैटू ऑफ एन एक्स लवर? इट फील्स लाइक द बेडरूम इज क्राउडेड. सो वुड यू एवर एक्सेप्ट एनीबॉडी इफ हाइपोथेटिकली इफ देयर इज अ सिचुएशन दैट योर पार्टनर हैज अ tattoo of an ex-lover? Do you think that they should accept? Yes, of course. I think these are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangna, on the same thing? Tattoo. I have one. I don't like it anymore. So probably this other person also, you know, maybe. Again, the thing is that how well you know each other, that's what matters, you know. Or
अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? आई मीन आप उन लोग उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज से कभी, ये तो बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज हैं। थैंक यू। हेलो कंगना जी, यहाँ यहाँ आरती सक्सेना। हेलो, आपने दो करेक्टर्स इसमें निभा रही हैं और दत्तो ज्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसका उसकी एक एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भीड़ में खड़ी हो जाती है, और उसमें जो एक प्योरिटी है, और जहाँ पे तनु थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक एक तरह से तनु में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आंख है। तो दत्तों के सामने तनु को टिकाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तों में, क्वीन का बिंदासपना। क्वीन आई थिंक जो क्वीन आखिरी में आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो है। Oh, don't ask. बहुत मुश्किल था, और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में, और काफी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज उससे और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना, वो एक अलग चैलेंज था। हरियाणवी में मेरी जो ट्यूटर होती थी वहाँ पे सेट पे ऑल द टाइम, तो सुनीता जी वो जो मुझे सिखाती थी, मैं ज़्यादा करके लाइंस पे ही काम करती थी, ऐसा नहीं मैंने अलग से कोई भाषा सीखी हो, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का एक्सेंट अडेप्ट कर लेती हूँ मैं, चाहे मैं कोई भी किसी भी कंट्री से मैं आती हूँ तो मेरी सिस्टर हमेशा पॉइंट आउट करती है तुम्हारे में वो एक्सेंट आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ। आजकल वो कहते तुम अब हरियाणवी में बात करने लग गई हो, तो मुझे पता नहीं चलता है मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा में वो आ जाता है। अनंत सर आपके लेफ्ट है, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर इस तरह की फिल्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन वो कहानी में सेट होता है, वहाँ के लिए डायलेक्ट कितना जरूरी होता है? मुझे लग रहा है खास करके हम लोगों जो हिंदी फिल्म जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे तरीके से आप अपने आप को बयान कर सकते हैं। सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर डायरेक्टर और राइटर ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस रीजन में जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें, उसकी ज़बान को समझें। वहाँ से मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं to drive a story and to create a character. So language is a very important part of it. और हरियाणा के मतलब किन issues को भी deal किया है आपने? Because वहाँ मतलब ढेर सारी चीजें भी मतलब हाँ मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये एक it's a complete family film और एक upper front पे किसी एक issue को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। But हाँ अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जो भी वहाँ के इश्यूज हैं वो एक एक पॉइंट पे हम लोग टच करके जा रहे हैं हमारी कहानी में। तो इट्स नॉट द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्म, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम उस रीजन में गए हैं, उस स्पेस में गए हैं और उनके बारे में भी कुछ बात की है। और ऋषिका मैम आपसे सवाल था कि NH10 क्वीन तनु वेड्स मनु मतलब फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आपने उठाया हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट, आई मेड अर्लियर मूवीज लाइक देसी बॉयज, इट्स कमर्शियल एंड स्लाइस ऑफ लाइफ, चलो दिल्ली, सो ऑल डिफरेंट, बट इट्स इट फेल टुगेदर NH10 एंड तनु एज मनु, सो नेवरदलेस आई विल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू मेक। हाय माधवन, हियर सोनिका, हियर हाउ यू? Very good. Sonika, you said? Sonika. Sonika. Yeah. Trailer bahut hi khoobsurat hai and Kangna and you both are rock